नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था तांबे के बर्तन के कुछ लाभ और तांबे के बर्तन का पानी सुबह ही क्यों पिया जाता है खाली पेट, उसका क्या महत्व है, और ऐसे ही तांबे के बर्तन का पानी कब किसको पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, गर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने डिटेल में पिछले सेशन में बताया था। अगर आपको वो सब जानकारियाँ चाहिए तो आप वीडियो के नीचे लिंक उसका है, आप उसको जाकर देख लेना। आज फिलहाल हम बात करेंगे तांबे के बर्तन का पानी जिनको सूट नहीं करता उनको क्या करना चाहिए, और किस किस को सूट नहीं करता, और मुझे सूट कर रहा है कि नहीं, इसका क्या लक्षण है, क्या साइन है, तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों को तांबे के बर्तन का पानी नहीं सूट करता वाकई में। क्यों? क्योंकि तांबे के बर्तन के पानी की तासीर हल्की सी गर्म होती है, तांबा हल्का सा गर्म है, तो ऐसे में जिनकी बॉडी की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे कईयों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है माताओं बहनों को, या लिकोरिया की प्रॉब्लम है, हर किसी को नहीं, मैं फिर कह दूँ, बावजूद इसके कि बॉडी की तासीर गर्म है, कईयों को पानी पीने से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को, माताओं बहनों को एकदम लिकोरिया का डिस्चार्ज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, कुछ माताओं को ओवर ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, या यूँ कहूँ कि जिनकी बॉडी में बहुत गर्मी है उनको कई बार ये पानी पी करके वॉमिटिंग फील होने लग जाती है, या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये छोटे मोटे 4-5 साइन जो हैं, ये लक्षण हैं कि आपको तांबे के बर्तन का पानी नहीं सूट किया, तो आप क्या करें ऐसे में? ऐसे में ये ध्यान रखना होता है, जिस चीज़ की बॉडी को ज़्यादा एक्सेस में ज़रूरत नहीं उसको लेना ही क्यों, तो ऐसे में आप चांदी के बर्तन का पानी पिए, वो ठंडा होता है, या मिट्टी के बर्तन का पानी पिए, वो भी अच्छा होता है। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी, ये बहुत गलत धारणा है, हर कोई चाहता है कि मैं इस सांचे में फिट हो जाऊँ, सारी दुनिया एक सांचे में नहीं फिट हो सकती, इसीलिए भगवान ने अलग अलग खाने की चीज़ें बनाई, अलग अलग धर्म बनाए, अलग अलग चॉइसेस के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे करो, आपकी मौज है, भगवान कभी नहीं रोकता, इसलिए जो चीज़ की आपको बहुत एक्सेस में ज़रूरत नहीं है वो मत लो। लेकिन फिर भी आप कई लोग कहते हैं कि मुझे सूट नहीं करता तो मैं क्या करूँ, उन लोगों को चांदी के बर्तन का पानी पी लेना चाहिए, और उसमें कोई तांबे की चीज़ डाल देनी चाहिए, यानी तांबे की क्वांटिटी घटा देते हैं हम। ध्यान देना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था तांबे के बर्तन का पानी पियो और चांदी का सिक्का या चांदी की कोई चीज़ डाल दो, या सोने का सिक्का या सोने की चीज़ डाल दो, सर्दी में सोना गर्मी में चांदी, उससे थोड़ा पानी का ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, तो उससे चांदी की भी कमी पूरी हो जाती है सोने की भी। तो कई लोगों ने कहा मैं इसमें क्या करूँ, मुझे तांबे का बर्तन का पानी सूट नहीं करता, उनको मात्रा कम देनी होती है, वो चांदी के गिलास में या चांदी के जग में अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें तांबे का कोई क्वाइन या बड़ी पत्री ऐसे इतना टुकड़ा कोई यंत्र डाल सकते हैं, तो उससे वो तांबा भी मिल जाएगा लेकिन कम मात्रा, जितनी मात्रा उनको पच भी जाएगी वो मात्रा, ये ध्यान रखना। फिर भी अगर लगे आपको चारों तरफ की नहीं उसने भी मुझे कमी कुछ किया गड़बड़, तो इसका मतलब ये है कि आपको तांबे की एक्सेस में ज़रूरत नहीं है, बॉडी को जितना चाहिए उतना है, या यूँ कहें कि आपको तांबा सूट नहीं करता है, जितना खाने की चीज़ों में तांबा है उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। हालांकि तांबे की जो मात्रा जो है हमें कुछ कुछ खाने की चीज़ों में भी मिलती रहती है, अलग से अगर मैं बताऊं तो आपको खाने के लिए जितने भी बीज हैं, बीजों में तिल का बीज ले लो, सरसों का बीज ले लो, और फ्लैक्स सीड ले लो जिसको हम अलसी बोलते हैं, कोई भी बीज ले लो आप, नट्स ले लो, काजू ले लो, बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, जितने भी बीज भगवान ने बनाए हैं इनमें हल्की मात्रा में कॉपर होता ही है। आप कहेंगे जी फिर मैं कॉपर का गिलास का पानी क्यों पीऊँ, मैं यही चीज़ें खा रहे हूँ तो मुझे मिल जाएगा, ये बेशक मिलता है, उसके बावजूद हमें सुबह के समय मैंने बताया था कि बॉडी तांबे के बर्तन का पानी तब अच्छे से डाइजेस्ट होता है जब हल्का सा पेट एसिडिक माहौल में हो, एसिडिक माहौल हो पेट का, तो वो एसिडिक माहौल सुबह सुबह ज़्यादा होता है पेट का, पेट में रात भर में इकट्ठा हुआ होता है थोड़ा एसिड, तो तांबे का बर्तन का पानी इसलिए सुबह पी लेने से सारा वो एकदम साफ कर देता है, और ऐसे उसका तांबा भी हमें शरीर को मिल जाता है। और आप कहेंगे जी मैं ज़्यादा जोर दूं, अब बीजों पे ही जोर दे दूं ज़्यादा तांबा पाने के लिए, तो फिर उससे कई बार क्या होता है कि उसमें केवल तांबा नहीं है, बीजों में कैल्शियम भी है, किसी में विटामिन सी है, किसी में और कुछ है, तो हर चीज़ को बैलेंस खाना होता है, किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेंगे फिर बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। मान लो आपके अंदर तांबे की कमी है, आपने अब जोर लगा के पूरी सारी चीज़ें खानी शुरू कर दी, बीज वाली जितनी मैंने बताई जिसमें तांबा होता है, कॉपर होता है, अब कॉपर वाली चीज़ में मैग्नीशियम भी तो होता है, सोडियम भी तो होता है, तो अगर आप उन चीज़ों को एक्सेस में लेंगे तांबा पाने के लिए तो कहीं ना कहीं वो सोडियम और कैल्शियम को भी तो बढ़ाएंगी, तो वो भी गलत है। बैलेंस डाइट लेते जाओ और साथ में ये तांबे के बर्तन का पानी पीते जाओ।
आपको बहुत लाभ करेगा। कुछ सवाल और क्वेरीज बची थी, कई लोगों ने पूछा कि हम लाइफ टाइम पी सकते हैं इसका पानी, तो मैं आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, फिर भी मैं डिटेल में बता दूं कि 3 महीने पी के 1 महीना बंद करना होता है। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं सिर्फ सुबह एक टाइम पीता हूँ तो आप लाइफ लॉन्ग भी पी सकते हैं। बेशक मैं तो 2 महीने के बाद बंद करना ही पसंद करूँगा, 1 महीना नहीं तो 15 दिन बंद करके चेंज कर लो, तो चांदी का ले लो, मिट्टी का ले लो, फिर वहीं पर आ जाओ। तो फिर किसी ने पूछा कि मेरा हीमोग्लोबिन पहले से ही ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि तांबे का बर्तन का पानी पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, क्या मैं पानी पीऊँ? बेशक आप पी सकते हैं, सुबह के समय एक टाइम पीना कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन पूरा है तो आपका और बढ़ा देगा ये, इन चीज़ों से ऐसा नुकसान नहीं होता। फिर भी लिमिट में लें सुबह के वक्त। बस मुझे सूट नहीं करता, मैं क्या करूँ? अभी मैंने बता दिया कि कैसे आपको करना है, या तो चांदी की या मिट्टी के बर्तन में तांबे का कोई क्वाइन या सिक्का या कोई पत्री डाल दो, उससे उसको वो पानी तो बनेगा तांबे का, लेकिन उसमें पोटेंसी उसकी कम होगी तो वो सूट कर जाएगा आपको। फिर किसी ने कहा कि हमें रात को तांबे का पानी पीने से पेट अच्छा साफ होता है, सुबह पीने से नहीं। भाई ये तो अपनी निजता है। अब मैं आपके अकेले के कारण सबको ये नहीं कह सका कि रात को तांबे का पानी पी के सुबह ना पियो। अगर आपको लगता है कि रात को पानी तांबे का पीने से थोड़ा थोड़ा सुबह मेरा पेट अच्छा साफ होता है, तो बेशक आपने अपनी बॉडी को गहराई में जाके समझा है, तो आप थोड़ा पी सकते हो रात को भी, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब सारे लोग ही पीना शुरू कर दो रात को भी, और आप मुझे बताओ कि मुझे तो रात को पी के फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा तो पेट साफ सुबह ही होता है। तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन सुबह भी ज़रूर पिए, रात को तो पिए लेकिन सुबह भी पिए। मैं इसमें आंवला एलोवेरा डालकर पी सकता हूँ। बेशक अगर आप आंवला एलोवेरा पीने जा रहे हैं तो उसमें तांबे के बर्तन का पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना कि सुबह वाला जो खाली पेट पानी पीना है उसमें आंवला एलोवेरा डालो, ये गलत हो जाएगा। तो एक जने ने पूछा कि तांबे के बर्तन को मैं, आपने कहा चांदी का सिक्का डालो, सोने का डालो, मैं चुंबक डाल सकता हूँ? भाई इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में पता ना हो ना तो उस चीज़ के बारे में डायरेक्ट कह देना चाहिए कि भाई मैं अनजान हूँ। कहने से कोई आपको ये नहीं कहेगा कि लो इसको तो पता ही नहीं है, हो सकता है कोई व्यक्ति मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे नहीं मालूम चुंबक के बारे में, मैंने इसके बारे में कभी स्टडी नहीं करी। मैं समझता हूँ कि इतने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ अगर आपको लगता है आपका माइंड साइंटिस्ट माइंड है तो आप करो इसके ऊपर रिसर्च, लेकिन मैं इससे ये नहीं कहूँगा कि सारे चुंबक डाल डाल के पीना शुरू कर दो, इसमें मत जाइएगा। जितना हमें पता चल चुका है उसी को हमें अपनाना चाहिए। फिर किसी ने आखिरी सवाल पूछा, इसको साफ़ कैसे करें बर्तन को? साफ़ करने के लिए इसके लिए मिट्टी का प्रयोग करें, मिट्टी मल दें, उसमें थोड़ा नींबू इमली लगा कर रख दें, क्योंकि खट्टी चीज़ से जल्दी साफ़ हो जाता है, और बार बार साबुन लगा के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इतना ध्यान रखें कि इसमें पुराना पानी बचा हुआ अगर है तो उसमें ऊपर से नया पानी डाल के उसको फुल ना कर दें। वो पुराना पानी उसमें एक तरह से रोज़ रोज़ अगर आप फुल करते जाएंगे, ऊपर से पुराना पानी उसमें काफ़ी दिनों का अगर बचा रहेगा, एक तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, हो सकता है अमीबा या ऐसी कोई और चीज़ पैदा हो जाए, और वो फिर आपको अंदर जाके नुकसान करेगी। इसलिए धो करके बर्तन को साफ़ करके अच्छे से हाथ से थोड़ा उसको उल्टा करके घंटा भर रख दो ताकि बर्तन सूख भी जाए, फिर उसमें नया पानी डालो अगले दिन के लिए। ये चीज़ें खास ध्यान रखनी होती हैं। फिर भी कोई सवाल बच गया हो तो कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिएगा, आने वाले समय में फिर चर्चा कर लेंगे इसमें क्या है। लेकिन ये जानकारी आपको कैसी लगी? बेशक ये सवाल सारे अटपटे से हैं, इनकी कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि ये तो बड़े मूर्खता भरे सवाल हैं, इसका क्या बनाना हुआ, इसके ऊपर वीडियो क्या बनाना हुआ। लेकिन अगर सवाल पूछा है, सारी दुनिया में सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, किसी को अगर नहीं पता था उसने पूछ लिया तो उसने क्या गुनाह किया? इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जिनको नहीं पता तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और फिर एक नई सोच और नई समझ के साथ आगे बढ़ सकें। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।